नर्मदापुरम जिले के सिविल मालवा तहसील में इन दिनों मिट्टी के ट्रकों की लगातार खेप आ रही है, जिसे स्थानीय व्यापारी चने में मिट्टी मिलाकर रातों रात मालामाल हो रहे हैं। पूरे मामले का पता तब चला जब शासकीय डेग लगी चने की बोरियां मीरा एसोसिएट वेयरहाउस, जो कि कागजों में मंडी व्यापारी सचिन मोदी का है, वहां से वेयरहाउस से चने चोरी कर बोरियों को ट्रकों में भरा जा रहा था, तो इसकी भनक प्रशासन को लग गई। तत्काल मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम को देखते ही व्यापारी सहित ट्रक ड्राइवर एवं हेल्पर मौके से भाग खड़े हुए, जिसके बाद एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर के द्वारा वेयरहाउस संचालक को बुलाया गया। व्यापारी सचिन मोदी ने अधिकारियों को कई बार गुमराह किया, लेकिन व्यापारी द्वारा चना चोरी किए जाने की सच्चाई अधिकारियों के सामने खुलकर आ गई। मंडी में व्यापारियों की मिली भगत से शासन को लंबे समय से चूना लगाया जा रहा था। देर रात दो ट्रकों को पुलिस थाने में लाकर वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने पुलिस अभिरक्षा में खड़ा किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं नगीन वर्मा, जिला प्रबंधक एमपीडब्ल्यूएलसी मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, जिला नर्मदापुरम। मुझे अभी शाम को सूचना प्राप्त हुई कि बानापुरा में कृषि उपज मंडी में एक टोल कांटे पर ट्रक प्राप्त हुआ है और वहां पे खड़ा हुआ है और उस पे जो है कि 22-23 का टैग लगा हुआ है, चने का है, और वो शासकीय चना उसमें मतलब रखा हुआ था। तो मैं मौके पे जो है कि बानापुरा पहुंचा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा ये मीरा एसोसिएट वेयरहाउस है और यहाँ के जो ओनर हैं वो सचिन मोदी हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि जो मैं यहाँ पे आने पे मैंने देखा कि यहाँ पे दो ट्रक जो है के खड़े हुए हैं, जिनके बारे में मुझे सूचना प्राप्त हुई थी। मैंने ट्रकों को देखा, वो ट्रक अधूरे लोड थे, मतलब जो है कि पूरे लोड नहीं थे और वो अपने स्थान से अनियंत्र कहीं पर जाकर और उनके ड्राइवर भाग चुके थे और उन्होंने अनियंत्र कहीं पर वेयरहाउस में उन ट्रकों को खड़ा कर दिया और मौके पर वो ड्राइवर मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पर हमने अंदर जाके गोदाम के अंदर देखा कि स्टेक की जांच की, उसमें 23-24 को छोड़ के एक स्टेक हमको 22-23 पालीवाल वेयरहाउस की स्टेक प्राप्त हुई है, जिसमें हमको टेक प्राप्त हुए पालीवाल वेयरहाउस के 22-23। इसके लिए हमने अभी गोदाम को सील करवा दिया है। इसके पश्चात जो ट्रक हमको देखे हैं उनको हम थाने में ले जाकर उनको जो है कि वहां पर खड़े करेंगे और थाना प्रभारी। पूरे मामले को सर प्रथम दृष्टि आप क्या देखते हैं, जांच को प्रथम दृष्टि ये संभव समझ में आता है कि ये पूरा चोरी का मामला है और मुझे जहाँ तक है कि इसमें जांच के बाद यही चीज सामने आएगी, मुझे ऐसा संभवतः लगता है। कौन कौन दोषी पाया जाएगा, किस प्रकार की आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? हो सकता है क्या है, गोदाम अगर जिसका है गोदाम संचालक जो है उसी के वेयरहाउस में अगर पॉइंट पे गोदाम में लग के अगर मान लो गाड़ी लोड हो रही है और वो भी रात के समय और उसके कागज नहीं है तो ये तो चोरी का मामला समझ में आता है। दूसरा जो है कि आधा ट्रक तो इसको छोड़ के भगा है, तो ये तो कोई भग के तो जाता नहीं अगर डिलीवरी ले रहा है तो ये चीज अपन को सामने आई है। अभी तक आपको डीओ वगैरह मिल पाए कि नहीं? अभी डीओ मेरे को प्राप्त नहीं हुए इसके नेफेड के। अगर नेफेड की डिलीवरी ले रहा है तो वो 23-24 जो है 22-23 समथिंग जो है इनके ऑनलाइन पोजिशन के हिसाब से देखेंगे कि स्टॉक है कि नहीं है, और वो अगर है तो पालीवाल वेयरहाउस के टैग लगते यहाँ पे क्यों है, तो वहाँ पे क्यों भंडारित नहीं, तो सारी चीजें जाँच के सामने आएगी, हम चेक करेंगे। कल पूरा 1x1 पूरा ऑनलाइन स्टॉक, उसके बाद गोदाम में फिजिकल स्टॉक पोजीशन जो ऑनलाइन से मैच करेंगे, उस डीओ की भी जानकारी लेंगे, गोदाम संचालक को कारण बताओ नोटिस पत्र भी देंगे और दूसरा भी थाने में जो भी कार्रवाई होगी वो